आप सोचिए एक बार 1975-76 में संजय गांधी ने नसबंदी किया था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तब को कांग्रेस सरकार था ना, वो नहीं बोल रहे कुछ कुछ लोग भी। हमने सोचा है अभी योगी ने हमको ज्ञानोदय किया है, उत्तर प्रदेश में योगी ने इसका मांग रखा है, इसलिए हम भी सोचा था कि हमारे देश भी मान होना है, अच्छे दिन हमको भी आना है, हमारा कर्नाटक को भी आना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं द घंटा। दोस्तों, एक सवाल काफी वक्त से खड़ा हो रहा है, काफी वक्त से सवाल पर गौर फरमाया जा रहा है कि क्या मुसलमान होना गुनाह है, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अब ये सवाल उठने लगा है क्या मुसलमान होना अपने आप में एक गुनाह है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको किस तरीके से हमारे चैनल ने खबरें दिखाई थी कि कर्नाटक में कैसा माहौल जागरूक हुआ है, हिजाब से शुरू हुआ और उसके बाद तमाम ऐसे मामले कर्नाटक से निकलकर सामने आए जहां मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और अभी तक आए दिन कोई ना कोई मामला निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आपको खबर दिखाई गई कि किस तरीके से मुसलमानों से उनकी रोजी रोटी भी छीनी जा रही है। अब इस पर बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अब मुसलमानों के रिएक्शन का कहीं इंतजार किया जा रहा है कि हम भगवा अंगोछा डालकर निकलें और मुसलमान कुछ रिएक्ट करें। दोस्तों, आज मैं ये आपको क्यों बता रही हूं कि मुसलमान होना अपने आप में गुनाह हो गया है, क्योंकि अब फिर से मुसलमानों की ये जो दुकानों पे पाबंदी लगाने का, उनकी रोजी रोटी छीनने का जो आग, जो चिंगारी कर्नाटक से शुरू हुई, अब वो यूपी तक आ गई है और तमाम राज्यों में फैल रही है, जहां पर साफ तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है कि मुसलमानों को अब अपनी दुकानें बंद करनी होंगी। मुसलमान अब हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं रखते, क्योंकि अगर रोजी रोटी ही नहीं तो इंसान रहेगा कहां। उन्नाव से एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जो मैंने कहा कि मुसलमान होना गुनाह है, यह आपको अब क्लियर होगा। उन्नाव से एक खबर निकलकर सामने आई जहां पर किस तरीके से खुलेआम मंत्रियों ने अपना गंदा खेल खेलना अब शुरू कर दिया है, या यूं कहूं कि बीजेपी की वापसी अब दिखा रही है कि किस तरीके से अब हमारा तांडव शुरू होगा। क्योंकि उन्नाव से यह खबर निकलकर अब सामने आई है कि मुसलमानों की दुकानों पर ताला अब हर राज्य में लगा दिया जाएगा, और खासकर उन्नाव की यह खबर है, उन्नाव में भी एक दीवार पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये पोस्टर के तरीके का दीवार पर एक पेंटिंग बनाई गई है, उस पर क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूं किस तरीके से लिखा गया है। उस पर लिखा है स्वच्छता का ध्यान दे, स्वच्छता का ध्यान दे, सूचना जय माता दी। मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं को दुकान लगाना सख्त मना है, मतलब मंदिरों के आसपास मुसलमानों का दुकान लगाना सख्त अब मना कर दिया गया है। ये उन्नाव से है। जागो हिंदू जागो, मतलब हिंदू भाई जो थे अब तक, आजादी के बाद से अब तक सारे हिंदू सो रहे थे, लेकिन अब योगी सरकार में हिंदुओं को जगने की बहुत जरूरत है, ये बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ में लिखा भी है विमल त्रिवेदी, विमल त्रिवेदी अपना नाम भी उन्होंने लिखा है कि भाई ये मैं बोल रहा हूं, हिंदू जागो, मुसलमानों पर पाबंदियां लगाओ, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, अपनी रोजी रोटी परिवार को पालने का भी अब कोई हक नहीं है। ये आपके सामने स्क्रीन पर आप ये जो वॉल पेंट करी गई है इसको आप देख रहे होंगे। एंड में भी लिखा है कि हिंदू जागरण मंच,
ये हिंदू जागरण मंच। अब हिंदू जागरण मंच इन्होंने एक ज्ञापन भी जारी किया है जो कि जिला प्रशासन को सौंपा गया है, और इस ज्ञापन में क्या लिखा है, 7 पॉइंट्स लिखे गए हैं, 7 पॉइंट्स। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ज्ञापन बकायदा जिला प्रशासन को सौंपा गया है। बताया गया है कि अब नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, हालांकि नवरात्र हर वक्त आए हैं, मतलब इस साल तो आए हैं, हर साल नवरात्र आए हैं, पर ऐसी कोई मंशा, ऐसी कोई डिमांड जागरूक नहीं हुई, लेकिन अभी इस बार ही क्यों, बहुत बड़ा सवाल। नवरात्र कोई नए तो आए नहीं है, हमेशा आते हैं, हमेशा लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इस बार ही ये क्यों, बहुत बड़ा सवाल है। अब आपको बता दूं कि इसमें, इस ज्ञापन में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि नवरात्र शुरू होने वाले हैं, और नवरात्र शुरू होने के, जिस तरीके से नवरात्र शुरू होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये अपील करी गई है कि आसपास स्वच्छता रखी जाए, चोरी चकारियां बहुत होती हैं। और आप नीचे पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे, आप स्क्रीन पर इस ज्ञापन को देख रहे होंगे और पढ़ेंगे, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मंदिर से 200 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी गैर हिंदू की दुकान ना मिले। अब ये मैंने आपको खबर जान पूछ कर किस तरीके से आपको मैंने फोकस करके समझाने की कोशिश की, क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है। हमने आपको तमाम खबरें दिखाई थी, लेकिन आज साफ तौर पर ये क्लियर हो गया है कि अब हिंदू मुस्लिम की आग को किस तरीके से भड़काया जा रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद अब तमाम राज्यों में फैलने लगा है। News24 ने इसे लेकर ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, उन्नाव हिंदू जागरण मंच ने लिखा है, मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं को दुकान लगाना सख्त मना, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ये News24 ने ट्वीट किया है। दोस्तों ये बात यहीं तक हो गई कि किस तरीके से उन्नाव में अब मुसलमान भाइयों के लिए दुकानें, उनकी रोजी रोटी पर, उनके परिवार को ध्यान में ना रखते हुए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसे लेकर तमाम यूजर्स ने भी अपना कमेंट करते हुए अपनी राय सामने रखी है, तमाम यूजर्स ने, और उनमें से अधिकतर हिंदू भी हैं, जिन्होंने बताया है कि ये किस तरीके से गलत हो रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक से ये वीडियो भी सामने आया है, एक नजर इस वीडियो पर डालिए कि किस तरीके से मुसलमानों की अब कमाई को, उनकी दुकानों को रोकने का कर्नाटक में कैसा व्यापार चल रहा है, और पूरा प्रमोशन बाकायदा बजरंग दल वाले समझा रहे हैं लोगों को, जाकर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से भगवा अंगोछा डालकर ये बजरंग दल वाले लोग हर इंसान के पास जाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों की दुकान से कोई सामान ना खरीदे, मास्क ना खरीदे, और सबसे बड़ी चीज हलाल कट को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। आप इस ट्वीट को देख रहे होंगे, ये इमरान खान यूजर हैं, इन्होंने ये ट्वीट कर जानकारी दी है, बताया है कि किस तरीके से मुसलमानों के प्रति, उनके कारोबार के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है बजरंग दल वालों के थ्रू। वो हर एक इंसान के पास जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब मुसलमानों की दुकान से कोई मांस या फिर कोई सामान आप ना खरीदें। लेकिन ये जनता है, और ये जिस तरीके से बहकती है उस तरीके से इनमें आप समझ भी है। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे लोग भी थे, आप वीडियो देख रहे होंगे, जहां पर इस वीडियो में आप एक बार नजर डालेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लोग बजरंग दल वालों से उनको बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमें अकल है कि हमें क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, आप हमें ना बताएं। इस ट्वीट के थ्रू आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की है कि जहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा था मुसलमानों के व्यापार के प्रति, वहां पर यह भी बताया गया कि लोगों ने पलट सवाल करते हुए उनसे बोला कि भाई हमें जागरूक ना करें, हमें पता है हमें किससे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है।
और सबसे चौंकाने वाला वीडियो अब एमएलसी का भी निकल कर सामने आया, बीजेपी एमएलसी का, जिन्होंने क्या बोला है, एक नजर इस पर भी डालिए। तो कुछ भी तो अच्छा होगा नहीं देश के लिए, कोई भी सोचा है ना। बीजेपी बोला तो अच्छा नहीं, वो किसी समुदाय के ऊपर हम पॉइंट आउट करता है बोलता है, दूसरे लोग बोलता है तो चलेगा। इंदिरा गांधी ही बोला ना, आप सोचिए एक बार 1975-76 में संजय गांधी ने नसबंदी किया था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तब वो कांग्रेस सरकार था ना, वो नहीं बोल रहे कुछ लोग भी। हमने सोचा है, अभी योगी ने हमको ज्ञानोदय किया है, उत्तर प्रदेश में योगी ने इसका मांग रखा है, इसलिए हम भी सोचा था कि हमारे देश भी मान होना है, अच्छे दिन हमको भी आना है, हमारा कर्नाटक को भी आना है, इसलिए मेरा हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन किया। उन्होंने कैसे बोला है कि कर्नाटक में भी अब अच्छे दिन की रिक्वायरमेंट है, अब अच्छे दिन कर्नाटक में भी आने चाहिए। और मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि अच्छे दिन का मतलब हिंदू मुस्लिम कराना है, हिंदू मुस्लिम कराने से अच्छे दिन आते हैं। अगर यूपी या फिर आप देख लो कि यूपी के साइड में अच्छे दिन आए हैं तो क्या हिंदू मुस्लिम से आए हैं, तो अब कर्नाटक में भी अच्छे दिन जाएंगे, तो हिंदू मुस्लिम हो रही है वहां पे, किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये अच्छे दिन है। मतलब अच्छे दिन के डेफिनेशन अब हिंदू मुस्लिम है, क्योंकि जिस तरीके से ये एमएलसी बोल रही हैं, आप एक बार इनकी वीडियो और इनके लव्स को देखिए, किस तरीके से ये बोल रही हैं पॉपुलेशन को लेकर। यूपी में जिस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल है, उस तरीके से कर्नाटक में भी होनी चाहिए और अच्छे दिन अब कर्नाटक में भी आने चाहिए। एक नजर इस वीडियो पे। तो कुछ भी तो अच्छा होगा नहीं देश के लिए, कोई भी सोचा है ना। बीजेपी बोला तो अच्छा नहीं, वो किसी समुदाय के ऊपर हम पॉइंट आउट करता है बोलता है, दूसरे लोग बोलता है तो चलेगा। इंदिरा गांधी ही बोला ना, आप सोचिए एक बार 1975-76 में संजय गांधी ने नसबंदी किया था। देखा आपने, आपको ओवरऑल जो ये खबर दिखाई गई, आपको बताया गया कि किस तरीके से अब मुसलमानों की रोजी रोटी का सवाल सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, अब ये जो सवाल खड़ा हो रहा है ये तमाम राज्यों में अब खड़ा हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक से जिस तरीके से हिजाब विवाद शुरू हुआ, वो हर ओर उसकी आग फैली, उसी तरह से अब मुसलमानों के व्यापार को लेकर, उनकी रोजी रोटी को लेकर हर तरफ चिंगारी भड़की हुई है। और इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं बजरंग दल वाले, बीजेपी वाले। उनको पूरी तरीके से अब मौका मिल गया है अच्छी तरीके से, क्योंकि उन्होंने लोगों को जो भड़काने का काम करना था वो कर चुके। लेकिन इन सब जानकारी के बाद भी मैं आपको बता दूं कि जो यूजर्स हैं, जो हिंदू भी हैं, उन्होंने किस तरीके से ट्वीट करके बताने की कोशिश की है, उन्होंने किस तरीके से ट्वीट्स का रिप्लाई किया है, कमेंट किया है, बताया है उन्होंने बाकायदा। उन्होंने कहा है कि जब आप अपने घर का एसी ठीक करवाते हैं, जब आप कपड़े सिलवाते हैं, जब आप कढ़ाई करवाते हैं, जब आप तमाम ऐसे कार्य करवाते हैं, उस वक्त आपको दिखाई नहीं देता कि किस तरीके से वो जो काम करने वाला शख्स है, गाना हो, फिल्म बनाना हो, या फिर किसी भी फील्ड में देख लीजिए जहां पर क्रिएटिविटी होती है, वो एक मुसलमान होता है। उन्होंने बोला है, मुसलमान भाई आप ये काम रोक दें, उसके बाद ये जो भगवाधारी हैं इनकी अकड़ जो है ठिकाने आ जाएगी, इनकी अकल अच्छे से ठिकाने आ जाएगी, ये यूजर्स ने कमेंट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश में किस तरीके का माहौल हो रहा है। कर्नाटक से शुरू हुए ये मुस्लिम को टारगेट करने वाला विवाद अब चारों ओर फैल गया है और बची कुची कसर द कश्मीर फाइल्स ने पूरी कर दी है। मानो बीजेपी ये सोच कर बैठी थी कि बस एक बार चिंगारी जग जाए और आग लगाने का काम तो हमारे गुंडे कर ही देंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? हमने जिस तरीके से आपको अपनी हर वीडियो में दिखाया, दर्शाया, हकीकत आप तक लेकर आते हैं, और आज भी जिस तरीके से ये वीडियो सामने निकल कर आई, ये जानकारी निकल कर आई, तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को हिंदुस्तान में अब टारगेट किया जा रहा है? क्या मुसलमान होना एक गुनाह बन गया है? आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटा। धन्यवाद।